सो जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, अज दा साडा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैगनैटिक फील्ड। सो सानूं जिवें पता ही है कि जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैगनैटिक फील्ड दे विच्चों पास करदा है तां ओह मैगनैटिक फील्ड उस पार्टिकल दे उत्ते फोर्स लगाती है, जिहनूं आपां कहिंदे आ लॉरेंस फोर्स। ठीक है, हुण आपां इक एग्जाम्पल लैंदे हां कंडक्टर दी। सो जदों किसी कंडक्टर दे विच्चों करंट पास करता है, मतलब की है, इहदा मतलब यह है कि उस कंडक्टर दे विच्चों बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स एक डायरैक्शन वाल नूं फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, उही इलैक्ट्रॉन्स नूं जदों आपां मैगनैटिक फील्ड दे विच रखांगे तो मैगनैटिक फील्ड उन्हां सारिआं ते की लगाऊगी, फोर्स। सो आपां कह सकते हैं कि मैगनैटिक फील्ड उन्हां इलैक्ट्रॉन्स ते फोर्स लगा रही है, जां मैगनैटिक फील्ड उस कंडक्टर ते फोर्स लगा रही है जिहदे विचों करंट पास कर रहा है। ठीक है, सो इदां दा आपां इक कंडक्टर कंसीडर कीता है। ठीक है, जिहदी लेंथ हैगी एल ते एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है ए। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन का मतलब होंदा ए वाला एरिया। ठीक है, आ वाले एंड्स का एरिया। सो लेंथ इहदी एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है ए, आ वाला एरिया, ए वाला फेस का एरिया। ठीक है, आ वाला एरिया ते इनू आपां मैगनैटिक फील्ड विच रखिया जिहदी वैल्यू हैगी है बी। ओके, सो हुण जिवें कि नीचे तुसीं देख सकते हो करंट इस कंडक्टर दे विचों इस डायरेक्शन दे विच फ्लो कर रहा है। ओके, ते इलैक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन दे विच फ्लो करनगे। सो यह सारे इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते मैगनैटिक फील्ड एक फोर्स लगाऊगी, वो आपां टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। सब तो पहला आपां की करांगे, आपां पता करांगे कि एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते किन्नी फोर्स लग रही है, फिर आपां सारे इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते किन्नी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करांगे। सो सब तो पहला आपां एक इलैक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, आह वाला इलैक्ट्रॉन जिहड़ा इधर नूं मूव कर रहा है। सपोज ए इलैक्ट्रॉन वी डी विलोसिटी, जिहड़ी कि इहदी विलोसिटी हैगी वी डी विलोसिटी नाल इस डायरैक्शन नूं मूव कर रहा है, तो मैगनैटिक फील्ड इस ते लग रही हैगी है बी। ठीक है, सो ये मैगनैटिक फील्ड इस इलैक्ट्रॉन के उत्ते फोर्स लगाएगी, जिहदी डायरैक्शन किधर नूं होगी, इस पेज दे परपेंडिकुलर, जिधर नूं मेरा पेन है। ओके, सो इस डायरैक्शन दे विच मैगनैटिक फील्ड इस इलैक्ट्रॉन के उत्ते लगाऊगी फोर्स, जिहनूं आपां की कहिंदे आ लॉरेंस फोर्स। ओके, सो सपोज जो लॉरेंस फोर्स इस इलैक्ट्रॉन ते लग रही हैगी वह हैगी स्मॉल एफ, वह कि बराबर आनी है इस इलैक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इस इलैक्ट्रॉन की विलोसिटी जिहड़ी कि हैगी वी डी, जिहनूं आपां ड्रिफ्ट विलोसिटी कहोंगे, क्रॉस मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी कि इस ते मैगनैटिक फील्ड लग रही है। सो ये वह फोर्स है जिहड़ी कि इस इलैक्ट्रॉन के उत्ते लग रही है। ठीक है, ये आपां पहला डिस्कस कर चुके हैं, इहनूं आपां लॉरेंस फोर्स कहिंदे हैं। सो ये फोर्स जो लग रही है वह एक इलैक्ट्रॉन के उत्ते लग रही है, याद रखना। सो आपां नंबर वन देता। अच्छा, हुण आपां सपोज करने हैं बहुत सारे इलैक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ वाले सारे इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ। सपोज जो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर दे विच वो हैगे आ स्मॉल एन। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर की शेप एक सिलेंड्रिकल शेप है, सो इहदा वॉल्यूम की होगा क्रोसैक्शनल एरिया इंटू इट्स लेंथ। सो क्रोसैक्शनल एरिया है ए, ए वाला एरिया। ठीक है, ए हैगा ए ते एल हैगी लेंथ, सो इहदा वॉल्यूम की आऊगा एरिया इंटू इट्स लेंथ। सो यह होगा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सारे कंडक्टर दे विच टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने आ जाएंगे, एन इंटू ए एल। ठीक है, हुण आपां कैलकुलेट करनी है इस टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते किन्नी फोर्स लग रही है, वह किदां आपां कैलकुलेट करांगे। सो वह भी लॉरेंस फोर्स के फार्मूले ना। सो टोटल फोर्स जो इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते सारे इलैक्ट्रॉन्स से लग रही है वह किदे बराबर आऊगी, टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इंटू जो एक इलैक्ट्रॉन ते फोर्स लग रही है, एन ए एल इंटू एफ। सो ए एफ की वैल्यू आप पिछे इक्वेशन नंबर वन तो पुट करांगे, ए एफ की वैल्यू जिहड़ी कि इहदे जिहड़ी कि आह वाली है। सो इहदे जदों पुट कीती ए इक्वेशन साडे को ए इक्वेशन बन गई,
ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਟਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਡਰਿਫਟ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਐਨ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ, ਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀ ਡੀ ਡਰਿਫਟ ਵਿਲੋਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਨ ਐਨ ਈ ਈ ਏ ਏ ਵੀ ਡੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਨ ਈ ਏ ਵੀ ਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸੋ ਐਨ ਈ ਏ ਵੀ ਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ।